हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बिल्कुल भी मैं कुछ भी रूटीन सुबह का नहीं अपना शेयर कर पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी से मैं काम करने लगी और आज हस्बैंड भी ऑफिस नहीं गए थे, उनको कुछ यहीं पर काम था, तो वो भी आज घर ही पे हैं। मतलब गए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर आ गए। तो फिर जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, नहा के पूजा वूजा करके फिर ब्रेकफास्ट की, और उसके बाद फिर लंच में बना रही हूँ। तो लंच का शूट करने का सोचा, लेकिन किचन में इतनी गर्मी कि वहाँ पे मेरा मन ही नहीं किया। अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने बनाया है। काफ़ी जो है बारिश सा हो रहा है, मौसम बदली हो गई है। बारिश हो जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने आज ये सूट पहन लिया रेड। ये इसका जो ये थोड़ा सा फैब्रिक, इसका ये जो है ये थोड़ा सा मोटा है तो कॉटन ही, लेकिन थोड़ा मोटा है, तो इसमें मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो मैं सोची थी अभी थोड़ी देर में इसको चेंज करके मैं फिर मैक्सी पहन लूँगी, गाउन अपना घर पे। लेकिन सोच रहे कि अगर बारिश हो गई, मौसम अच्छा हो गया तो अच्छा है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए मौसम तो फिर पहने रहेंगे। काफ़ी दिनों बाद मैंने निकाला और काफ़ी अच्छा ये सूट है। ये मेरा भाई लाया था चंडीगढ़ से, तो इस लेकिन बस ये गर्मी में कि हिसाब से थोड़ा सा मोटा ज़्यादा है, इस वजह से मैं नहीं इसको पहनती हूँ। तो आज मैंने पहन लिया और थोड़ा सा बड़ी बिंदी भी लगा ली, अच्छी लगती। कभी मैं बड़ी भी लगाती हूँ, छोटी भी हर तरीके की लगाती हूँ, ताकि कभी फेस पे अटपटा सा ना लगे। बड़ी भी अच्छी लगे और छोटी भी, तो कभी छोटी लगाती हूँ कभी बड़ी लगाती हूँ, हर तरीके की लगाती रहती हूँ। तो वही बस थोड़ा सा मैं रेडी हो गई। मैंने ये वाला सूट पहना रेड, तो रेड लिपस्टिक लगा ली और रेड बिंदी, और चलते हैं अब किचन में। तो किचन में मैंने सब्जी मेरी बन गई, दाल बन गई, और बस मुझे अभी राइस चढ़ा के रोटी सेकनी है। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी कि वहाँ पे खड़े होना मुश्किल हो रहा था, तो मैं बस थोड़ी थोड़ी देर में कमरे में आ जा रही थी, पूरा बिल्कुल पसीने में भीग जा रही थी खाना बनाने में। तो लगभग पूरा खाना मेरा बन चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं, आज जो मैंने दाल बनाई है वो थोड़ा सा सब्जी स्टाइल में बनाई है। दाल अरहर की नई दाल है, वो जो धुली मसूर होती है रेड वाली, हाँ रेड वाली धुली हुई, उसकी दाल मैंने आज बनाई है। तो बिल्कुल सब्जी स्टाइल में उसको बनाया है मैंने, प्याज टमाटर, और उसी में दो अचार भी डाल दिया है। तो अभी मैं दिखाती हूँ, दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, टेस्टी सी, खाने में देखिए कैसी होती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से बनाया है। और जो उड़द की दाल की सब्जी मैंने बनाई थी भाप में, वो एक मेरी फ्रेंड है, उसको बहुत वो रेसिपी अच्छी लगी, उसने कहा मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। तो ये वाली भी ऐसे ही बनती है, इसको भी ऐसे ही पीस के और भाप में वो पकौड़ियाँ बना के फिर सब्जी बनती है। तो किसी दिन मैं ये वाली भी बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि गर्मी की वजह से किचन में खड़े होना मुश्किल हो जाता है, फिर शूट करने का मन नहीं करता है। तो चलिए चलते हैं किचन में और फिर आपको दिखाती हूँ। आन्या का भी आज वर्क जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि आज उसमें उसको दो में सिर्फ रीडिंग के लिए आया था, रिटर्न काम नहीं मिला था, इस वजह से उसका काम भी जल्दी ख़त्म हो गया आज। तो वो भी फ्री हो गई, अभी यहीं पर थी, अभी भी नीचे गई है वो। और ये कुशन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो लोग चैनल पर देखते होंगे उनको तो पता ही होगा, ये मैंने अपने आप से बनाया था। तो इसका वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया, इसका एक पॉम्पॉम आने ने निकाल दिया है, मुझे लगाना है, और काफ़ी ईजी तरीके से और बहुत ही अच्छा सा बन गया था ये कुशन। तो यहाँ पे मैंने इसको सजा रखा है, क्योंकि इसी कलर का मेरा कर्टन है, तो ये कुशन बीच में बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है आगे रूम में बस एक तखत पड़ा हुआ है, उसी पे बिस्तर लगा है। यहाँ पे हम लोग बैठ के कभी आने अपनी स्टडी करती या फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग अधिकतर बेडरूम में ही रहते हैं, यहाँ पर गर्मी बहुत लगती है। तो लेकिन इस वाले रूम में ये खिड़की वगैरह ओपन कर देते तो रोशनी बहुत अच्छी आती है, तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं इधर ही आ जाती हूँ। और आज तो हस्बैंड उधर है, तो वहाँ बैठ के वीडियो, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं तो फिर नई वीडियो बन पाता है वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो दाल मैंने बनाई थी ये बन चुकी है हमारी, और काफ़ी अच्छा से जिस तरीके से मैं इसमें निकाल के दिखाती हूँ, ये रुकिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं। बिल्कुल जैसे सांभर का कलर होता है उस तरीके से है, और खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें मैंने दो जो अचार होते हैं वो मैंने डाल दिया था खट्टे के लिए, इसमें गल गया पूरा वो, जो मैंने बिना छिलके वाला अचार बनाया था वो मैंने इसमें दो डाल दिए थे, तो उससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरी दाल बन के रेडी हो गई है, और आलू बीन की सब्जी। तो आप चावल चढ़ा देते हैं, चलिए
तो चावल चढ़ गया, बची मेरी रोटी, तो रोटियां मैं सेक लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। और आ गई है अन्य मैडम जी से हेलो। हेलो। तो क्या कर रही थी? मैं बाबा के। अच्छा, बाबा के पास थी। और इनका वर्क पूरा आज हो चुका है और अब इनको सिर्फ सम्स लगाने हैं, है ना, फोर सम्स इनको लगाने हैं तो वही बस इनका, बाकी साइंस वाइंस का सब हो चुका है ना, बाकी सारा इनका वर्क हो चुका है, नाश्ता भी कर चुकी हैं। और खाने में ये हमसे पूछ रही थी तो मैंने इनसे कहा खाना तब बताना कैसी लगी कि दाल। तो चलिए मैं रोटियां सेक लेती हूँ फिर मिलती, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो रोटियों का मैं शूट नहीं करूँगी, मतलब रोटी बनाते समय नहीं मैं कुछ शूट करूँगी किचन में, क्योंकि एक भयंकर वाली गर्मी हो रही है इस समय यहाँ पे, और है बादल जैसा मौसम लेकिन पता नहीं कब बारिश होगी, हो जाती खूब तेज से तो अच्छा लगता। तो चलिए देखते हैं बारिश होती है कि नहीं, और तब तक मैं बना लेती हूँ जल्दी से रोटियाँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, लंच हमारा रेडी हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं लंच करने, मैं और मेरे हस्बैंड। आने अभी मना कर रही खाने के लिए तो वो नीचे खेल रही है, उसने भी बिस्किट वगैरह खा लिया, लेकिन हम लोग को भूख लगी तो हम लोग जा रहे हैं खाने। और मैं आपको दिखाती हूँ, यम्मी से दाल बनी है, दिखाती मैं आपको बैक कर दाल हमारी, और ये सब्जी मुझे कम अच्छी लगती इसलिए मैंने बस सिर्फ आलू आलू लिया, राइस और रोटी। सो फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम हो गया है और हम लोग बना रहे हैं चाय। तो चाय बना रही है आन्या इंडक्शन पे, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, दूध भी और छानने के लिए। और गर्मी बहुत हो रही है, मैंने इनसे बोला हम बना दें, लेकिन ये बोल रही नहीं मैं बनाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है बनाओ, लेकिन मैं चाय पत्ती बस, हाँ बस और इसमें चाय की पत्ती खत्म हो गई है। कुछ छोटा सा स्पून या चाय पी के फिर मिलते हैं आप लोगों से। और आज सोचा था मैंने कुछ स्टिचिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन अब लेट हो गया है तो नहीं करेंगे तो कल मैं करूँगी स्टिचिंग थोड़ी, कुछ थोड़ा सा कुशन कवर वगैरह बनाने की सोच रही थी, कुछ कपड़ा मिला था उससे, तो अगर बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और ये दूध को फिर से हमने बॉईल कर लिया है, क्योंकि इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा था और गर्मी बहुत हो रही है, तो ये देखिए कितना ज़्यादा पसीना ही पसीना, तो इसको भी गर्म कर लेते हैं। गर्म कर लिया मैंने फ्रिज में, क्योंकि नहीं रख पाए थे, रख क्या मतलब फ्रिज हमारा नीचे है तो उसकी वजह से आलस आ गया, नहीं रखा, तो फिर इसको दोबारा से गर्म कर लिया, क्योंकि अगर गर्म ना करे तो फट जाता शाम तक, और फट जाता तो अन्य के लिए उसका पनीर बना लेते, क्योंकि इनको पनीर बहुत पसंद है। हो गई ना? हो गई। तो चलिए फिर चाय पी के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और डिनर में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि देर से सब लोग लंच किए हैं तो थोड़ा ही थोड़ा खाएंगे, और दाल सब्जी दोनों रखी हुई है तो रोटियां ही सेकूंगी खाली मैं, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो हो सकता है चावल भी डाल लें, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन शाम को चावल कोई नहीं खाता है, इस वजह से मुझे रोटियां भी सेकनी पड़ सकती है। और मैंने जो अपना ट्राइपॉड है वो माइक्रोवेव के ऊपर सेट किया है, हाँ। तो ठीक ठीक इधर लाइट पड़ रही है, और जब इंडक्शन पे काम नहीं करते हैं, इधर कुछ गैस पे जब करते हैं शूट करना होता है, तो इधर इंडक्शन पे एक छोटा सा एक डब्बा रख के उसके ऊपर रख लेती हूँ, तो अच्छे से लाइट पड़ती है, और ये नहीं तो बिल्कुल ठीक है दूसरा डब्बा, तो उसको रख लेते हैं। सॉरी, ग्रीन टी है रख दो। तो मैं सोई लेकिन मेरी फ्रेंड का फोन आ गया, और फिर इनकी मेरी फ्रेंड ने तो एक बार करके फिर नहीं किया दोबारा, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं सो रही, लेकिन इनकी फ्रेंड करे जा रही लगातार, और फिर मेरी नींद खुल गई, फिर मुझे नींद आई नहीं, तो थोड़ा सा सुस्ती दूर हो जाएगी, उसके बाद फिर से रिफ्रेश होके और काम में जुटना है, काम का मतलब कि डिनर की तैयारी करनी है। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, सारा काम मेरा हो चुका है किचन क्लीनिंग का, और ये देखिए गैस कुकटॉप भी साफ़ कर लिया है, और बर्तन तो मेड आती है तो वो नीचे साफ़ करती है, तो थोड़े से जो सुबह मुझे ज़रूरत जो होती है वो बर्तन मैं धुल लेती हूँ, जैसे जो चकला बेलन और तवा वगैरह, क्योंकि सुबह जल्दी मुझे टिफ़िन बनाना होता है। उसके बाद मैं ये सिंक साफ़ कर रही हूँ, तो उतने बर्तन मैं ऊपर ही धुल के रख लेती हूँ, तो ये सिंक मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सिंक भी डेली की डेली साफ़ हो जाती है तो सही रहता है, वरना
जो हार्ड पाउडर के जो निशान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं, तो उस वजह से। और ये आप लोग देख रहे होंगे एक नल अलग एक अलग, तो ये दोनों स्टील के एक साइड लगे थे लेकिन उधर से बर्तन नहीं सही से धुलते बनते थे, तो मैंने ये लगवाया है। तो ये थोड़ी सी टाइल्स भी क्रैक हो गई है, इसको सही कराना है। तो ये मैंने सब अपने नल वगैरह भी अच्छे से धुल दिए और पूरी सिंक भी साफ़ कर दी। तो ये भी मेरा सारा काम रात में किचन साफ़ करके डाल देते तो सुबह क्लीन मिलती है पूरी किचन, तो अच्छा लगता है। तो ये भी मेरा पूरा काम हो गया है और अब बस सोने की तैयारी है। और ये जो बर्तन के जितने बर्तन मांजने वाला जो होता है उसको मैं एक स्टैंड में रखती हूँ, उससे सारा पानी उसका ड्रेन हो जाता है तो स्मेल नहीं आती उसमें से। उसके बाद अपने हैंड वॉश करने जा रही हूँ मैं। तो आने आ गई थी किचन में कुछ पूछने के लिए, तो बस सारा काम हो चुका है किचन क्लीनिंग का। और ये मेरी सिंक भी बहुत अच्छे से साफ। सो फ्रेंड्स, जिससे मैं इस वाले से वीडियो बनाती हूँ शूट कर रही थी, इसकी बैटरी चली गई और इसको क्योंकि बहुत देर से लगाया नहीं था, मुझे लगा कि पूरा वीडियो शूट हो जाएगा लेकिन बैटरी चली गई। पूरा काम हो चुका है मेरा किचन का भी सब काम। और अन्या इस टाइम बिस्किट खा रही है क्योंकि इन्होंने खाना खाया फिर इनको दाल कड़वी लगी, तो ये बिस्किट खा रही है। पूरी बैटरी इसकी चली गई और लाइट भी नहीं आ रही है, तो इन्वर्टर की बैटरी भी जा रही है। हो सकता है आवाज़ आप लोगों को सुने, बहुत देर की लाइट गई हुई है, कुछ इधर तार वगैरह इस साइड है खंभा वो गिर गया था तो उसकी वजह से इन्वर्टर की बैटरी जाने वाली है। तो मैं जल्दी से अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ वरना कहीं लाइट चली गई तो वीडियो का एंड भी नहीं हो पाएगा। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।